सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को मैं इंस्टा स्टोरी से पता है कि हम ट्रैवल व्लॉग बनाने वाले हैं, तो भाई पहली बार बनाऊंगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना। एंड सेकेंडली भाई, हम जाने वाले हैं कुल्लू मनाली एंड अगर हो पाया तो रोहतांग पास। तो अब देखते हैं कि भाई क्या है, क्योंकि रोहतांग पास में थोड़ा सा इशू है सर्टिफिकेट वगैरह का। एंड मोर ओवर वहाँ पर शायद अभी पर्सनल व्हीकल्स नहीं भेजे जितना मैंने ऑनलाइन समझा है। बाकी भाई देखते हैं कि क्या हुआ, तो जुड़े रहो और आओ चले। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि सिंधु बॉर्डर बंद है किसानों की वजह से, पता नहीं भाई कब हटेंगे। बट यहाँ से गांव से लेके जा रहे हैं, रात का टाइम है और काफी अच्छा सड़क नहीं है, मतलब हमारी गाड़ी के लिए थोड़ा सा ऊबर खाबड़ है और सस्पेंशन का मुझे काफी डर भी है कि भाई कुछ हो ना जाए रात का टाइम है। तो भाई देखते हैं अब क्या होता है। अभी तो फिलहाल गाँव से मैं निकल रहा हूँ, गूगल मैप्स भी बहुत अजीब अजीब रास्ता दिखा रहे हैं, बट पूछ पाछ के थोड़ा गूगल वगैरह देख के चल रहे हैं। तो तुम्हें दिखाते हैं रास्ता यहाँ पे कैसा है। तो ये देखो, यहाँ पे अंदर गांव में भी जाम है। यहाँ थोड़ी सी रोड फिर थोड़ी ठीक थी, बट पता नहीं इतनी देर से हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब देखते हैं कितनी दूर ऐसे चलना पड़ेगा और जाम है थोड़ा आगे तक, तो चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कितना रास्ता खराब हो रखा है और ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा ही है। देखते हैं कितनी देर यहाँ पे खड़ा करेंगे। मैप भी बीच में चल रहा है, नहीं चल रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। यहाँ देख लो, पता नहीं कैमरे में कितना इशू रहा है। तो देखो ओ कितना पास से निकालना पड़ रहा है, एक तो ट्रैफिक इतना है, ट्रक को कितना पास से निकालना पड़ रहा है एक दूसरे को। ऊपर से भाई ये टर्न राइट ऐसा है कि अंदर से मतलब यहाँ पे शटर बंद है, मतलब प्रॉपर अंदर की तरफ से निकाल रहे हैं। और ऊपर से एक तो इतनी ऊबड़ खाबड़ रोड है कि निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो भाई अब देखते हैं कितनी देर और लगेगी इससे निकलने में। धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं बचा बचू के, क्योंकि अगर गाड़ी सब नीचे लगी या कुछ भी फॉल्ट आया तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, यहीं अटकना पड़ जाएगा और फिर कल सुबह तक वेट करना पड़ जाएगा। ये देखो अंकल जी रात को पता नहीं कहाँ घूमने निकले हैं। कोई नहीं, ये भी सही है, गाँव के हैं, बस रात में निकल रखे हैं घूमने। ये देखो ट्रक पूरा टेढ़ा हो गया भाई, देख रहे हो उबड़ खाबड़ रोड कितनी है। भाई फाइनली मैं थोड़ा सा हाईवे के नीचे अब आया हूँ, थोड़ा सा रोड क्लियर हुई है खाली ट्रैफिक से और आपका बिल्कुल मतलब साफ रोड है, यहाँ पे कोई गड्ढे गुड्ढे नहीं है। तो तुम्हें अब दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा कोई अच्छा व्यू आएगा तो तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलो भाई ये देख लो, थोड़ा सा क्लियर हुआ था ट्रैफिक, उसके बाद अब फिर प्रॉपर ट्रैफिक जाम। ये देखो हर जगह ट्रैफिक कर दिया भाई, हाईवे तक पे ट्रैफिक जाम है, पता नहीं किस बात का। उधर से क्लियर है, इधर से बहुत जाम है भाई। तो अभी क्लियर होने का वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं कि कहीं पे गाड़ी रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे कुछ खाने के लिए, तो बताएंगे अगर रुके गाड़ी कहीं। अभी फिलहाल तो ट्रैफिक में ही फंसे हुए हम। तो भाई अब मैं आया हूँ मयूर ढाबा पे, भाई बड़ी देर हो गई थी गाड़ी चलाते हुए, तो कॉफ़ी पीने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है ये, एक सेकंड भाई ये देख लो, ये लिखा हुआ मयूर ढाबा, ये रहा, ये प्रॉपर है यहाँ पे। तो भाई अब मैं आया हूँ मयूर ढाबा पे, भाई बड़ी देर हो गई थी गाड़ी चलाते हुए, तो कॉफ़ी पीने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है ये, एक सेकंड भाई ये देख लो, ये लिखा हुआ मयूर ढाबा, ये रहा। यहाँ पे भाई तुम्हें कुछ स्टैचूज वगैरह लेने हो या कुछ तो मिल जाएंगे, चिप्स वगैरह यहाँ मिल जाएंगी, ये कुछ भाई फार्म फ्रेश करके कुछ है वो मिल जाएगा,
यहाँ बिस्किट्स मिल जाएंगे, ये तुम्हारा यहाँ पे जूसेस पानी की बोतल वगैरह मिल जाएगी, खाने के लिए भी मिल जाएगा तुम्हें। भाई ये देखो बिल्कुल सुनसान रास्ता, चंडीगढ़ से आगे जा रहे हैं वहाँ का रास्ता है। यहाँ पे व्यू देख लो, अभी अंधेरे में इतना दिख नहीं रहा होगा बट अच्छा व्यू है काफ़ी, और रोड भी ठीक है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही, रोड प्रॉपर चल रहे हैं आराम से, बढ़िया रोड है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और हम पहाड़ों पर पहुँच चुके हैं बट यहाँ है देखो भाई बहुत ज़्यादा बारिश, तो व्यू तो तुम्हें इतना ख़ास मैं दिखा पाऊँगा नहीं, बट हाँ एक चीज़ है जो दिखा सकता हूँ वो है ट्रैफिक, यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा कुछ व्यू दिख जाएगा। सो हेलो गाइस, और मैं यहाँ पे अभी रुका हूँ सिटिंग वगैरह एरिया पे कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। बारिश भाई बहुत अच्छा मौसम हो रहा है भाई, इतना प्यारा बारिश इतनी प्यारी, रुको तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो ये खड़ी भाई हमारी गाड़ी, ये देखो भाई मौसम चेक करो, ये बारिश देखो, बारिश हो रही है भाई प्रॉपर वाली, ये देखो ये देख प्रॉपर भाई मौसम, बहुत भाई बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा। तो यहाँ पे फिर से अब जाम है और पता नहीं कितनी दूर तक का होगा, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और एक पता नहीं गूगल मैप्स का क्या इशू है, 100 किलोमीटर से नीचे जा ही नहीं रहा है। एंड बाय द वे मेरा अभी चलान होते होते पता है, क्योंकि मेरे पीछे फिल्म है, तो उसके लिए पता नहीं यार पुलिस वालों ने रोक लिया, दिल्ली में तो कुछ कहते नहीं है, बट चलो बच गए बस, नहीं तो चलान हो जाता, हमने थोड़ा सा मन बोल दिया कि भैया प्लीज़ रहन दो ये वो, तो देखते हैं चला कितनी दूर तक है ट्रैफिक। बाकी व्यू यहाँ का भाई ये देख लो, अच्छा व्यू अच्छा है काफ़ी। तो भाई यहाँ पे एक व्यू तुम्हारे लिए मैंने देखा है, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ ठीक है, देखो भाई व्यू देख रहे हो कितना प्यारा है, ये देखो भाई और भी लोग आ रखे हैं देखने, भाई ये देखो अभी एक हम टनल में है, पीछे बहुत ज्यादा खराब रास्ता था, अब ये थोड़ी सी बेटर न्यू डेवलपमेंट करी होगी इन्होंने शायद, तो अब एक ये थोड़ी सी बेटर टनल बनाई है, इसमें शायद अभी काम चल रहा है क्योंकि लाइटिंग इतनी प्रॉपर आ नहीं रही है, अगर हम मतलब गाड़ी चला रहे हैं कैमरा में तो मैं दिख रही होगी लाइटिंग बट इतनी प्रॉपर नहीं जितनी है अभी तक, अभी मैंने लाइट्स भी ऑन कर रखी है अपनी, तो ये नॉर्मल मतलब है अभी, लेकिन काफ़ी अच्छी है, एटलीस्ट डेवलप्ड है थोड़ी, कि मतलब ऊबड़ खाबड़ जो गाड़ी की लगे हैं सस्पेंशन पे झटके झुटके सब वो सब कुछ हो नहीं रहा, एंड थोड़ी सी ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये स्लिपरी भी है, तो भाई अगर तुम इससे जा रहे हो तो प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड आराम से चलाना। तो भाई अब मैं रुका हूँ यहाँ पे पराठे खाने के लिए, इसका नाम है गेटवे रूम्स एंड कैफे, भाई बहुत अच्छी लोकेशन है, मतलब अगर तुम कभी आ रहे हो मनाली तो यहाँ पे विजिट करना, खाना बहुत अच्छा है ठीक है, एंड लोकेशन चेक करो भाई तुम, ये देखो पे खड़े होके भाई लोग फोटो खिंचवा रहे हैं बढ़िया, ये देखो प्रॉपर लोकेशन। तो भाई ये देखो दिल्ली से जो चीज गायब हो चुकी है वो पहले कितनी बढ़िया मिलती है, भैया कितने की है, 30 की 30 30, पहले दिल्ली में 10 रुपए की मिलती थी पहले, अब तो दिल्ली में है ही नहीं। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी मनीष चौहान। अच्छा जी भाई देखो भैया बना रहे हैं हमारे लिए, भैया अच्छा सा बना देना, वहाँ गन्ने का रस है वो भैया गन्ने का रस बना रहे हैं, भैया हेलो बोल दो एक बार, भैया हेलो बोल दो एक बार।
गाइज दिस इज ऑल फॉर माय फर्स्ट एपिसोड. अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अपना होटल दिखाऊंगा कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं और कहाँ नहीं. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.